गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर पानीसागर रेलवे स्टेशन के समीप घात लगाए बैठे सुरक्षा बलों ने युवा टैबलेट्स के 90 पैकेट्स जब्त किए हैं। इस संदेह के आधार पर कि इन युवा टैबलेट्स की तस्करी चुराईबारी से अगरतला हो रही है, यह अभियान चलाया गया। नीले रंग का बैग लिए जा रहे एक शख्स पर पहले संदेह हुआ और जब उसका पीछा किया गया तो वह शख्स अपना बैग छोड़कर मौके से फरार हो गया। बैग से युवा टैबलेट्स के अलावा 90 लाख मूल्य के 500 रुपए के नोट भी बरामद हुए हैं। जब्त सामग्रियों को कदमतला पुलिस थाने के हवाले कर दिया गया है और मामले के सिलसिले में एक FIR दर्ज की गई है। मीडिया से बात करते हुए कमांडेंट सीताराम बोरुआ ने कहा कि तस्करी से जुड़े किसी भी शख्स को नहीं बख्शा जाएगा। इसकी क्वांटिटी है 18,000 टैबलेट्स और अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 90 लाख। जो इससे जो पैकेट से जिसे जाहिर होता है कि ये इंडिया मेड नहीं है, ये बर्मा बॉर्डर से और वहाँ से आता है। बेसिकली इसका प्रोडक्ट थाईलैंड में है, थाईलैंड से वेरियस रूट से दी सच टाइप ऑफ ड्रग्स टैबलेट्स रीच्ड इन इंडिया थ्रू बर्मा बॉर्डर और अदर वेज। अगरतला प्रेस क्लब ने रविवार को भारत बांग्लादेश संबंधों पर एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने किया। बैठक में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के मीडिया सलाहकार इकबाल शोभन चौधरी भी उपस्थित थे। इस दौरान मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समकक्ष शेख हसीना दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। देव ने भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए संपर्क व्यवस्था को दुरुस्त करने पर जोर दिया। इधर NRC के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में बिप्लब देव ने कहा कि यह भारत का आंतरिक मसला है और इसमें बांग्लादेश सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। दोनों देश के पत्रकार लोग हैं, दोनों देश के पत्रकार ने एक कार्यक्रम बुलाया है और इसमें बांग्लादेश सरकार की जो प्रधानमंत्री जी के जो मीडिया प्रधान सलाहकार इसमें आए हैं, ब्राह्मणबाड़े के MP आए हैं और एक्स उनके जो बैंक के चीफ है वो आए हुए हैं। दोनों देश के अंदर संबंध, आर्थिक संबंध, इसके विषय में वार्ता हो और मैं मानता हूँ इससे दोनों देश का लाभ होगा और आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से तो हम लोग जुड़े हुए हैं पूरे, आर्थिक रूप से भी जोड़ना जरूरी है। बिटवीन द टू नेबरिंग कंट्रीज इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव दैट वी डू नॉट इम्प्रूव द रिलेशनशिप? वी कैनॉट चेंज द लैंड, वी कैनॉट चेंज द जियोग्राफिकल एग्जिस्टेंस। इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री, बांग्लादेश इज ए सॉवरेन कंट्री, वी हैव आवर पीपल, इंडिया हैज इट्स पीपल, सो वी शुड take a positive stand to look forward in the back the past legacy of misunderstanding, disputes, problems. शिलांग सिविल अस्पताल का कैंसर विंग आज कई सालों से निष्क्रिय पड़ा हुआ है। 5 दिसंबर 2008 में डॉक्टर डॉनकुपर रॉय के कार्यकाल में ही सिविल अस्पताल में कैंसर विंग खोलने के लिए मेघालय सरकार ने MOU पर हस्ताक्षर किया था, लेकिन राज्य में कैंसर मरीजों की बढ़ती संख्या के बावजूद पिछले 10 साल में कैंसर विंग की शुरुआत नहीं हुई। समझौते के मुताबिक कैंसर विंग का भवन निर्मित हुआ और कुछ मशीनें भी लगाई गई, लेकिन अभी भी यहाँ उपकरणों का अभाव है। स्वास्थ्य विभाग को अगले एक साल में कैंसर विंग शुरू होने की उम्मीद है। बता दें कि भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग ने 26 करोड़ की लागत से 2011 में ही इसका निर्माण कार्य शुरू किया था, लेकिन अब तक जब ये विंग शुरू नहीं हुआ तो मेघालय सरकार ने बेंगलुरु के HCG कैंसर सेंटर के पदाधिकारियों से मिलने का निर्णय लिया है ताकि उन्हें शिलांग सिविल अस्पताल के कैंसर विंग का संचालन दायित्व सौंप सके। Cancer Civil Hospital Cancer Wing. We are going to have meeting with the HSCG. That's why we are going to have the meeting there for have the understanding first. So the equipment will be having by likely we also will put pressure that all equipment will be installed by the partner.
बाईचुंग भूटिया के नेतृत्व में हाम्रो सिक्किम पार्टी ने मुख्यमंत्री पवन चामलिंग की आलोचना करते हुए उन्हें सांप्रदायिक नेता करार दिया है। पूर्व मंत्री तथा हाम्रो सिक्किम पार्टी के नेता के एन उप्रेती ने कहा कि चामलिंग एक सांप्रदायिक नेता था और एक सांप्रदायिक नेता ही है जो सिक्किम की उच्च जनजातियों के खिलाफ काम करता है। इसी बात को गंगटोक के पार्टी मुख्यालय में जारी अगवा राजा को 25 बरसा नामक पुस्तक में भी शामिल किया गया है। इस किताब में मुख्यमंत्री को एक हत्यारा भी कहा गया है जिसने राज्य की राजनीति की हत्या की है। जो उनका कार्यकलाप है चल रहा है ये तो आज से नहीं 20 साल से बहुत से जो ये किताब के अंदर है, ये किताब पढ़ के ही पता लगेगा क्या क्या है स्पेसिफिकली आए हमने दिया है। अब जो उनने गांव-गांव में जाके बोल रहे हैं कि हम जातिवाद नहीं है तो हमने उनको काउंटर दिया है। एक्चुअली हमारा काउंटर है कि वो जातिवाद है क्योंकि अब ये किसी के कम्युनिटी के अगेंस्ट में अब पहले से ही अब जो जो ने किया वो डिटेल्स हमने किताब में दिया है। अभी एक ही उसमें तो बोल नहीं सकते। अब वो तो 7 साल से स्कैम चल रहा है और 20-25 साल से तो 25 साल से ये SDF चल रहा है। हमारा तो 7 महीना भी तो नहीं हुआ, अभी तो बालक है ना ये 2-3 महीना हुआ, थोड़ा टाइम तो लगेगा।